ये स्कैन करेंगे यहाँ से नियरेस्ट में. Hey guys, so welcome back to my channel. This is your Akio. Now let's go. तो गाइस शुरू करते हैं मंगलवार की शुभ दिन के साथ अपने दिन की शुरुआत और जा रहे हैं भाई आज हनुमान मंदिर और हो सकता है सिग्नेचर ब्रिज भी जाएं. So I'll show you that thing. मैं नहीं अकेला, मेरे मामू जी भी है. हमारे मामू चला रहे हैं अभी बाइक, तो मामू के साथ जा रहे हैं. इस रूट का एक बहुत बड़ा सीन है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेड लाइट्स हैं. सीधा सीधा चलते जाओ. ये फ्लाईओवर वगैरह बन गए ना, इससे बड़ा ट्रैफिक बहुत कम हो गया है. तो भाई दिल्ली का लोहे का पुल जो कि सबसे पुराना है, आज इस वाली जगह से जाएंगे. लोहिया पुल. वैसे तो पहले भी मैं कई बार गया हूँ, बाकी अब ऑब्जर्व करना किस तरीके का है यहाँ का व्यू. ये ओल्डेस्ट है क्योंकि इसके ऊपर से है ना रेलगाड़ियां वगैरह भी जाती हैं, इसलिए. और इसके जस्ट बगल में एक और रेडी हो रहा है जो कि नया फ्रेश ही है और ये इतना ओल्डेस्ट है लेकिन बन नहीं पाता. जो दोस्तों ग्रे मूवी का शूट भी हुआ है ना, वो पीछे की साइड हुआ है, तो वो तो खैर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मुझे पता है. बाकी अब व्यू देख लो जंगल का. कमना में इतना लेवल था नहीं, अभी रिसेंट में इसका वाटर लेवल बढ़ा है, जिस कारण आपको पता ही है, आपने देखी हो कई जगह जो बाढ़ के आसार हैं और आ भी गई है कई जगह. पंजाब हथनीकुंड बैराज से है ना, तो मंदिर ज्यादा दूर नहीं है. ये जमुना विहार का एरिया तो है, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं. नई जगह एंट्री. हाँ तो भाई पहुँच लिए हैं हनुमान मंदिर. देख रहे हो यहाँ पर अभी गाड़ी लगाएंगे, स्टैंड करेंगे यहाँ से नियरेस्ट है. ओके. तो दोस्तों दिन अगर मंगल का है तो इससे पता चलेगा कि वाकई में भीड़ वाला दिन है. भाई ये मामू ने लगा दी स्टैंड भाई के ऊपर. बाकी जाते हैं अंदर बहुत जल्दी. कितनी भीड़ है यार, बहुत. जूते उतारने का टाइम आ लियो भाई. मिलिए मेरे मामू से. जय श्री बालाजी महाराज. जय श्री राम. यार तगड़ी वाली भीड़ है. बाकी इसके बाद खाएंगे कचौड़ियाँ आने के बाद. अभी पहले कम्प्लीटली दर्शन कर लें, प्रसाद वरसाद लेके फिर शुरू करते हैं अपना मामला. जय श्री राम. 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 और बढ़िया चीज़ है कि सारे लोग यहाँ पे बैठ के आराम से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. और ये मंदिर भी प्राचीन है क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ है. और बाकी हमने प्रसाद देखते हैं. बाकी तगड़ी भीड़ है, हम तो दर्शन करके अंदर से आ गए, अंदर की वीडियो नहीं बना सकते. बस बात क्या है, यह है सच्चा दरबार वीर बजरंगी का. और यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूर्ण मानी जाती है, ऐसा प्राचीन मंदिर है ये. और अभी देखो यहाँ पे दूसरे मंदिर भी जा रहे हैं, यही पास में है. थोड़ा आगे महाराज जी का. सो लेट्स गो. Thank you.
अब भाई ऑप्शन है कुछ खाने का, देखते हैं। राम का चौड़ी। हाँ तो भाई दर्शन हो गए हैं और भाई देख सकते हो खुद भी भीड़ बहुत तगड़ी है, क्योंकि शुभ दिन है आज मंगल का, इसीलिए राम कचौड़ी तैयार होती है। पर कचौड़ी नहीं, हम ब्रेड पकौड़ा लेंगे। चलो भाई एक सिंगल रेडी, अंदर खाएंगे ना। स्वादिष्ट डिश थी मामू की तो खत्म हो गई हमारे, भैया पूरी खत्म। मुच्छे बनी इस जगह को बोलते हैं। अब जल्दी से टाटा बाय बाय। तो हमने जो खाई थी राम कचौड़ी वो यहाँ से खाई थी, क्योंकि बहुत टेस्टी है भाई, किसी को खानी है या लगती नहीं है तो यहाँ से ले सकते हैं। लेट्स गो और इसके बाद शूजेस पहनते हैं। तो दोस्तों वी आर जस्ट मूविंग टू सिग्नेचर ब्रिज, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। ओके तो बस हमारी बाइक रेडी हो रही है एंड देन विल गो टू देयर। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने बता दिया अनदर लोकेशन के लिए कि सिग्नेचर ब्रिज भी जा रहे हैं, तो वो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। टिल नाउ टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।